नमस्कार, एमपीसीजी 24 समाचार में आप सभी का स्वागत है। किसानों की जमीन में नाप, घोटी में किसानों की तैयार फसल पर ग्राम पंचायत की दादागिरी, मजबूर किसानों को न्याय की आस, भूमि का मामला न्यायालय में है विचाराधीन, लांजी सरकार एक और किसानों के साथ और विकास की बात कहती है तो वहीं दूसरी ओर लांजी जनपद मुख्यालय अंतर्गत किसानों को परेशान करने का मामला सामने आया है। किसानों के धान खरीदी हेतु शेड निर्माण के लिए किसानों द्वारा इस मामले में ग्राम पंचायत सरपंच द्वारा कहा जा रहा है कि किसानों को मौखिक रूप से बता दिया गया था, लेकिन किसी प्रकार का कोई नोटिस जारी नहीं किया गया है। किसानों के धान उपार्जन केंद्र के चबूतरा निर्माण के लिए किसानों द्वारा विगत 40 वर्षों से किसानी के तौर पर उपयोग की जा रही भूमि का उपयोग एकमात्र जीविकोपार्जन के आश्रय को भी समाप्त कर दिया जाएगा, उसके बाद किसान के सामने जीवन यापन की समस्या का कोई समाधान नहीं है। घोटी की उक्त भूमि पर किसानी कर रही ग्रामीण मालती बाई ने बताया कि इस भूमि का मामला न्यायालय में विचाराधीन है और जानकारी के अभाव में या यूं कहे कि आंख मूंदकर ग्राम पंचायत घोटी के द्वारा किसानों का रोजगार छीना जा रहा है। ऐसा नहीं है कि ग्राम पंचायत घोटी द्वारा ग्रामीणों को परेशान करने का यह मामला है, बल्कि इसके पूर्व भी सार्वजनिक शौचालय निर्माण के लिए आपसी मिलीभगत करके दबाव बनाए जाने के प्रयास किए जा रहे हैं। वहीं रोजगार सहायक और सरपंच से लेकर उपयंत्री तक सभी शासकीय भूमि पर लगी चने की फसल को रौंदकर यह कार्य कर रहे हैं, जबकि रोजगार सहायक द्वारा भी कार्य रोकने के लिए स्टे लगाने की बात कही जा रही है। एमपीसीजी 24 न्यूज एक्सप्रेस लांजी से रिपोर्टर पवन कश्यप की रिपोर्ट। सर किस पद पर हैं आप? सरपंच पद पर जा रहा हूँ। सर जो ये जमीन में नाप किया जा रहा है, सर ये किस संबंध में कराया जा रहा है? ये है धान उपार्जन केंद्र, ये शेड बना रहे हैं। सर कितनी लाख की लागत से बन रहा है? ये लगभग 13 लाख रुपए की लागत से। सर जैसे कि किसानों द्वारा बताया गया कि 40 साल से वो इस भूमि में कृषि कर रहा है, सर तो एक तरीके से तो उनके पेट पे लात मारना हुआ। लगभग यही मंशा मेरी भी थी कि यहाँ पर 30 से 40 साल तक के उक्त किसान के माता पिता के द्वारा जब कब्जा करके यहाँ पर इसको खेती के लिए उपजाऊ बनाया गया है ना, उस समय से हमने भी इनसे प्रयास किया कि चलो भैया आपका पट्टा पुट्टा बन जाए, कुछ बन जाए, तो उस दिशा में इनने पहले तो उतना प्रयास किया नहीं है ना, किंतु अब शासन की योजना कुछ ऐसी आई धान उपार्जन सेट बनाने के लिए, जहाँ पर घोटी पंचायत में जगह की कमी के कारण जो ये शासकीय मत की जमीन लगभग यहाँ से बहुत सारे हैं, जिसके अंतर्गत में हमने चाहा कि चलो भाई यहाँ पर कुछ जो हितग्राही यहाँ पर खेती कर रहा है उसके लिए भी कुछ बच जाए और कुछ जगह पे यहाँ पर निर्माण कार्य हो जाए, इनको भी ध्यान में रखते हुए कार्य कराया जा रहा है। तो क्या आपको पता था कि इनका मामला न्यायालय में लगा हुआ? नहीं, ये मामला न्यायालय में था नहीं। आपने नोटिस जारी किए थे इनको पंचायत से करवाया? हमारे द्वारा किसी प्रकार का नोटिस जारी नहीं किया गया था। अगर आपको लगता है आगे आप एक जिम्मेदार सरपंच है यहाँ के कि नोटिस जारी कराते तो हो सकता है किसान ये बोनी अपनी नहीं व्यवस्था कर लेता? नहीं, ये जहाँ तक के हुए ये बात की जैसे कलेक्टर महोदय द्वारा जो निर्देश मिले थे पूर्व में कि धान उपार्जन शेड बनाने के लिए, तो इसके संबंध में अनेक बार यहाँ पर बैठे भी इनकी दुकानों में, तो जहाँ तक हुए इनके मौखिक चर्चा तो हुई इनसे कि यहाँ पर इस प्रकार की चर्चा हो रही है ना, यदि आपको किसी प्रकार का दावा आपत्ति लगाना है तो आप कोर्ट कचहरी में लगा सकते हैं, इस संबंध में भी मुझे अवगत कराया गया है उनको। यानी आप इस बात को मानते हो कि हम बिना नोटिस दिए यहाँ पे उनकी ज़मीन का नाप जोप कर रहे हैं? हाँ, नोटिस तो देने वाले अपन कौन होते हैं जी? नहीं, पंचायत से तो कार्य एजेंसी तो ग्राम पंचायत, कार्य एजेंसी तो पंचायत है। बस अब तो देखो जिस समय यहाँ पर फसल लगी हुई थी उस समय हमने ऑलरेडी यहाँ पर रोक के रख दिया था, क्योंकि यदि फसल कटी जब तक के लगी थी तब तक कि यदि उसको हम कटाई पिटाई करते तो नोटिस की मामला बनता था, किंतु यहाँ कटाई पिटाई सब खाली अब भूमि हो चुका है। आप भी एक जानते हैं कि फसल काटने के बाद में चना को बो दिया जाता है किसान द्वारा,
तो आप नोटिस जारी करते तो हो सकता था कि वो चना ना बो के अपना पैसा बचा। जहाँ तक हो तो इनकी इनकी मौखिक जानकारी के आधार से तो इनको पहले से ही पता था और हमारे द्वारा बताया भी गया था कि यहाँ पर शासन की स्कीम ऐसी ऐसी आ रही है, आपके द्वारा सिर्फ लिखित में भर नहीं दिया गया, बस लिखित में नहीं दिया गया सर। तो सर क्या इनको कृषि करने के लिए आपके द्वारा किसी प्रकार की अन्य भूमि ऐसा दिया जाएगी मतलब कि जहाँ पर एक कर सके? देखो गवर्नमेंट के तो अनेक सारी स्कीम निकलते हैं, जैसे वन अधिकार के अंतर्गत अभी वर्तमान में प्रचलित है, किंतु शासन की कुछ योजनाएं ऐसे ही नियम धर्म के आगे जहाँ पर हम लोगों को खेती के लिए तो अवेलेबल नहीं करा सकते। जहाँ तक हो शासन का निर्देश है कि ज़्यादा से ज़्यादा आवास प्लाट है ना, जिस किसी को यदि जमीन की कमी है, रहने की कमी है, तो उसको आवास प्लाट भर अवेलेबल कराया जा सकता है, बशर्ते खेती के लिए पंचायत के द्वारा किसी को जमीन अवेलेबल नहीं कराया जा सकता। क्या नाम है आपका? हरीश कुमार असक्कर। घोटी ग्राम में किस पद पर है? सहायक सचिव के पद पर। जो यहाँ पर नाप करवाया जा रहा है, हाँ, किस संबंध में करवाया जा रहा है? यहाँ पे केप निर्माण होना है। तो ये जगह पहले से चयनित थी क्या? ये जगह पहले से चयनित नहीं, ये है शासकीय भूमि, इसका खसरा नंबर है 100/1। जिस जगह पे अपन केप निर्माण कर रहे हैं इसका रकबा करीब करीब 2 एकड़ का। तो और भी शासकीय भूमि खाली पड़ी हुई है? शासकीय जमीन है और एक है, हमने चयनित किए थे उसको, पर वहाँ पे बड़ी टावर लाइन है, टावर लाइन के नीचे केप निर्माण नहीं करा। तो जो किसानों का कहना है कि हम 40 साल से यहाँ फसल उगा रहे हैं, बिल्कुल बिल्कुल, तो ये तो सीधा शासन ये किसानों के पेट पे लात मारने वाली बात। शासकीय जमीन है, खाली थी, किसान उसका उपयोग किया, कोई दिक्कत नहीं। किसान के द्वारा बताया जा रहा है कि इसका मामला न्यायालय केस चल रहा है, न्यायालय में। हाँ तो इसे ला लेना भाई, हमको नहीं, जैसे उनको बिना बताए काम किया जा रहा है, बिना नोटिस के काम किया जा रहा है, जैसे कि उन्होंने बताया कि शासकीय जमीन है यानी गवर्नमेंट की जमीन है, हम गवर्नमेंट का काम कर रहे हैं। तो उनके द्वारा जो चना जो लगाया गया था वो तो नष्ट हो गया सर। सूचना कर दिए थे, धान फसल लगी थी, जारी किए थे आपने, उनको नोटिस दिए लिखित में, आपने उनको कुछ दिए थे? नहीं नहीं, लिखित में नहीं दिए थे। तो यहाँ फसल लगी हुई थी तो हमने कहा था फसल आपकी लगी हुई है, हम यहाँ काम अभी नहीं करवाएंगे, जिस दिन फसल कट जाएगी उस दिन काम करवाएंगे। नहीं, आपने लिखित में ऐसा दिए थे क्या उनको? लिखित में नहीं दिए थे, सूचना सिर्फ साहब भी आए थे, एसडीओ साहब आए थे, एसडीओ साहब से भी मुजबानी सूचना दिए थे। हाँ, लिखित में एसडीओ सर के द्वारा भी नहीं दिया गया था क्या? नहीं नहीं, उनके द्वारा भी नहीं दिया गया, स्थल निरीक्षण किया गया था उनके द्वारा। एसडीओ सर का नाम दमहाई जी सर, नाम पूरा नाम पता नहीं है, चलिए ठीक। सर क्या नाम है आपका? लकेश माहुले। सर किस पद पर हैं आप? सब इंजीनियर हूँ, ग्राम पंचायत घोटी। सर जैसे कि यहाँ पर नाप हो रहा है, सर वो किस संबंध में नाप कराया जा रहा है? ये धान उपार्जन केंद्र के लिए चबूतरे निर्माण है। सर ये कितनी लागत से इसका निर्माण कर रहे हैं? 13,08,000। सर क्या पहले से जगह चयनित थी? ये पंचायत ने चयन की है, बाद में की है पंचायत, पंचायत के जो प्रस्ताव है पंचायत ने जगह चयन की है। सर जैसा कि यहाँ हितग्राही द्वारा मतलब जो जमीन पे शुरुआत से फसल उगाता था उसके द्वारा बताया जा रहा है कि 40 साल से वो यहाँ पर खेती कर रहा है, लेकिन आज उसको यहाँ पर किसी प्रकार का नोटिस नहीं दिया गया, बताया नहीं गया और सीधा आप लोग नाप पे आ गए और ये केस वहाँ पर कलेक्ट्रेट में भी चल रहा है, न्यायालय में भी चल रहा है। ये पंचायत ने जो जगह लेआउट करने के लिए काम निर्माण करने के लिए जो फाइनल किया है, पंचायत ने लेआउट करने के लिए मुझे बुलाया, मैं लेआउट कर रहा हूँ, शासकीय जमीन है करके पंचायत ने बताया, बात कर रहे हैं। सर जो किसान ने चना बोए हैं, फसल लगाए हैं, ये तो नष्ट हो जाएंगे इससे, ये मेरे को नहीं मालूम। सर तो इसका जवाब कौन देगा? ग्राम पंचायत बताए जमीन। सर लेकिन आप यहाँ इंजीनियर की पोस्ट पे है, आप यहाँ पर करवा रहे हैं तो आपको तो इसके बारे में जानकारी होनी चाहिए ना सर। शासकीय जमीन बताया सरपंच ने, ये ग्राम पंचायत की, तो कि सरपंच साहब इसके बारे में बात कर सकते, बता सकते हैं। हाँ। भाई क्या नाम है आपका? मालती भाई बोक्ते। क्या समस्या आपकी? जी ये तो दिखे रहा है जी। कितने साल से आप लोग यहाँ खेती कर रहे हो? 40 साल से। आप लोग को यहाँ पर ये हटाने का कोई नोटिस मिला? नहीं, नोटिस तो नहीं मिला। चलो केस चालू है। केस चल रहा है? हाँ। कहाँ लगा है आपका केस? लांजी में लगा है जी, बालाघाट में भी। सब लांजी बालाघाट में भी चालू। चलो ठीक।